मुझे तो भैया ने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दिया मुझे। वो एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गए थे और मैंने मंदिर में दिया जला रखा था भैया के लिए कि मेरे भैया ठीक होके आ जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो वीडियो है ये ना ही तो कोई ब्लॉग है और ना ही कोई चैलेंज है। इसमें कुछ स्पेशल तो नहीं है, ना ही कुछ इतना खुश होने वाली चीज़ है, बट आप सबको भी बताना चाहिए हमारे साथ क्या हुआ था, क्या हम पहले थे, क्या हम हमारी ऐसी सिचुएशन आई कि अब हम ऐसे इतने ऐसे मकान में रह रहे हैं कि यहाँ पे ना कुछ सही सा है ना कुछ। पहले कैसा हमारा परिवार था, कैसा हो गया है, सब मैं बताऊंगी। तो भैया की शादी हुई थी, उसके बाद मतलब जब भैया की शादी हुई 2017 में, तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लाइक भाभी थी साथ में, मम्मी पापा, विशाल भैया, टीडू भैया, सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत अच्छा परिवार चल रहा था। टाइम बीतता गया और उसके बाद 2019 में हमारे घर पे एक छोटी सी एंजल आई, कुहू। उसने हमारी पूरी फैमिली का एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया। लाइक पहले हमारा ये था, हम लोग को बोर होकर ज़्यादा पड़ रहते थे, पर जब कुहू आई तो हमारे फैमिली में एक बहुत ही ज़्यादा अलग खुशी आई थी। मेरे बर्थडे के नेक्स्ट डे कुहू का बर्थडे होता है, शायद आप सबको पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। 4th of May को मेरा बर्थडे आता है, 5th of May को कुहू का बर्थडे आता है। तो मेरे बर्थडे के अगले दिन कुहू आई और उसके बाद से सबकी लाइफ चेंज हो गई, लाइक अपग्रेड हो गए थे सबके लेवल। तो उसके बाद सब बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। फिर 2021 में अप्रैल के टाइम पे भैया की इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी, तो लाइक भैया की तो उससे छुट्टी चल रही थी। भैया ने बताया था कि तीन दिन की छुट्टी है मेरी, मैं आराम करूँगा और मुझे कोई परेशान मत करना। भैया ने ऐसे बोला था कि मुझे कोई परेशान मत करना भाई, मेरी 3 दिन की छुट्टी है और मैं आराम करूँगा और मैं कुछ काम नहीं करूँगा। तो मतलब इलेक्शन की ड्यूटी उनकी नहीं लगी थी, तो उनकी 3 दिन की छुट्टी थी। तो सडनली फर्स्ट डे पे ही वो जब लेटे हुए, संडे था उस दिन, फर्स्ट डे पे ही जब वो लेटे हुए थे अंदर वाले रूम में, मैं, विशाल भैया, टीटू भैया, सब हम सब बैठ के मूवी देख रहे थे अंदर वाले रूम में, तो एकदम से उनके पास कॉल आता है। तब परेशान हो गए थे एकदम से, सडनली बहुत ज़्यादा एकदम टेंशन में आ गए थे। तो हमने उनसे पूछा क्या हुआ, तो फिर उन्होंने बताया कि उनकी ड्यूटी लग रखी है इलेक्शन में। तो उस टाइम पे कोविड भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो हम नहीं भेजना चाह रहे थे भैया को। और उस दिन भैया इतने ज़्यादा हड़बड़ा गए थे, लाइक वो होता है ना कि इफ़ इलेक्शन की ड्यूटी तुम्हारी लगी है और तुमने वो अटेंड नहीं किया, तुम्हारे ऊपर केस हो जाता है और शायद जॉब पे भी कुछ खतरा होता है। तो भैया नहीं चाहते थे कि उनके संग ऐसा कुछ हो, वो एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। फिर वो जल्दी से तैयार हुए, फिर विशाल भैया के संग, विशाल भैया ने ड्राइविंग की थी और काशीपुर से भैया मुरादाबाद में जॉब करते थे, तो डेली अप डाउन था करते थे वो। तो वो विशाल भैया के संग आए कार से इधर मुरादाबाद में। जब उन्होंने ड्यूटी करी तो उसके बाद उनको फीवर हो गया था। फीवर होने के बाद दीदी के घर पे गए थे, वो मुरादाबाद में ही है दीदी का घर भी, दवाई खाई, उनको कुछ भी मन नहीं था खाने का, बिल्कुल भी कुछ भी मन नहीं था। उन्होंने दीदी के घर पे भी कुछ नहीं खाया था। उधर से गए, फिर उन्होंने दोबारा से ड्यूटी करी। जब वो घर पे काशीपुर आए थे तब उनको बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा था, बहुत ज़्यादा। तो
जिस टाइम पे लाइक कोविड था उस टाइम पे तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो हमने कुहू को भैया से बहुत अलग रखा था, बहुत दूर रखा था कि लाइक कुहू नहीं आए भैया के पास वरना उसे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। हमने बहुत दूर रखा था कुहू को उस टाइम पे, तो हमने भैया को आइसोलेट कर दिया था, उनको फीवर हो रखा था तो हमने दूर रखा था। और हमारे घर की बैकबोन भैया ही हैं, अभी भी हैं, तो हमने भैया को थोड़ा दूर कर दिया था, लेकिन इतना दूर नहीं करा था, हम उनके संग बैठ के चाय पीते थे। लाइक वो उधर उनका आंगन में कर दिया था पहले, जब उनको फीवर, जब वो रोटी से आया था तब उनका आंगन में, उनको आंगन में शिफ्ट कर रखा था, तो वहीं पे सोए थे। तो हम तो सीढ़ियों के पास में बैठे हुए, सीढ़ियों पे बैठे हुए थे और भैया से बातें कर रहे थे और चाय पी रहे थे, तो बातें कर रही थी। उसके बाद फिर एक भैया को फीवर आ रहा था, तो हमने उनको नीचे क्योंकि पंखा वंखा नहीं था और बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, और वो घर में भी था तो आना जाना रहता था उधर लोगों का, घर के बीच में था तो सही नहीं रहता था। तो फिर भैया ने हमने भैया को उनका बेड ऊपर डाल दिया था बम्पटी पे, जहाँ पे उन्होंने खुद ही बोला था कि मुझे यहाँ पे कर दो, क्योंकि उस टाइम पे मौसम ठंडा था काफी, उधर हवा जो थी ना, ऊपर पंखा लगा हुआ तो ऊपर पंखे से काफी ठंडी हवा आती थी, तो भैया ने बोला ऊपर शिफ्ट कर देते हैं बेड, थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद फिर तो नीचे आ जाएंगे। तो फिर भैया को हमने ऊपर ही रखा, क्योंकि ऊपर छत पे वॉशरूम है तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई थी। तो भैया को हमने अलग करा था थोड़ा, बट हमने ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनसे बात नहीं करते थे, बिल्कुल उनके पास नहीं जाते थे, उनके पास जाते भी थे तो वो डांट लगा देते थे वरना मानते नहीं थे, चले जाते थे उनके पास लगा देते वरना मानते नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि हमारा हमारा मन ही नहीं लगता था भैया के बिना बिल्कुल, कि भैया ऊपर अकेले हैं, अकेले पता नहीं क्या कर रहे होंगे, तो हम जाके बैठ जाते हैं, तो हम थोड़ी दूर रहते थे, बट दूर रह के उनसे बातें करते रहते थे, उनको अच्छा लगता था। और कुहू जैसे सीढ़ियों पे हम उसे चलने नहीं देते थे, तो वो वहीं से ही भैया से बातें करती थी। हॉस्पिटल लेके गए थे 3rd of May को, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, ये कंडीशन उससे तो वो थी। और वो हॉस्पिटल दुनिया का सबसे ज़्यादा बेकार हॉस्पिटल होगा मेरे लिए, तो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा लापरवाही गई थी। और पापा और भैया इतने ज़्यादा परेशान रहते थे, इधर से उधर भागते रहते थे, कभी हॉस्पिटल में, कभी घर पे, कभी कहीं, कभी कहीं। और उसके बाद फिर जैसे पापा डॉक्टर के पास जाके बोलते थे कि मतलब उनको दिक्कत हो रही है, कि मेरे बेटे को खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, उसको जाके एक बार देख लो आप लोग। तो डॉक्टर छूटते के संग ये बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑफिस में आने की, और तुम ऐसे करोगे तो हम तुम्हारे पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। तो पापा फिर उस चीज़ पे भी घबरा गए थे बहुत ज़्यादा, तो वो फिर भैया के पास चले गए थे। फिर 6th of May तक तो सब, 5th of May तक सब ठीक था, भैया का बर्थडे, कुहू का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया था, मेरे बर्थडे पे भी वीडियो कॉल थी, और मैं आपको चैट्स दिखाती हूँ। ये 4th of May को भैया ने मुझे मैसेज करा था, तो लाइक उस टाइम पे मैंने सोचा भैया ठीक हो के आ जाएंगे, सब बहुत ज़्यादा होप थी सबके अंदर। मैंने भैया से बोला थैंक यू सो मच भैया जी, कोई ना जल्दी से ठीक हो जाओ, बस वो ही बहुत है मेरे लिए। तो 5th of May तक सब बहुत ठीक था, मेरे बर्थडे पे उन्होंने विश भी करा, वीडियो कॉल में मेरी बात हुई उनसे, थोड़ी सी मतलब बोल नहीं पाए थे, मास्क लगा हुआ तो देखा। और 5th of May को कुहू का बर्थडे था तो सेलिब्रेट करा था, भैया ने बोला था कि मतलब कुहू का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मेरी वजह से कुहू परेशान, मतलब कुहू को बुरा नहीं, उसका मन नहीं था ऐसा कि उसको उसका बर्थडे सेलिब्रेट ना हो। तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट फिर किया था, छोटा सा केक लेके आए थे हमसे, भैया के कहने पर किसी का मन नहीं था। उसके बाद 5th of May तक सब ठीक था, 6th of May की सुबह को भैया को बहुत ज़ोर से खांसी हुई थी वो, और वैसे भी उन्हें सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, खांसी उठी भैया को, तो डॉक्टर्स ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बस
थोड़ा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया था, तो उनको मास्क लगा हुआ था ऑक्सीजन का मास्क, तो ऑक्सीजन का लेवल बस थोड़ा सा बढ़ा दिया था और ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं करा था। उसके बाद फिर शाम तक सब ठीक, शाम तक ठीक थे भैया ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने पर, शाम को उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। रात को 11 बजे उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अभी इन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत है, कहीं से वेंटिलेटर अरेंज कर लो। रात की 11 बजे हम ऐसे शहर में जहाँ पे एक हॉस्पिटल में बेड भी खाली नहीं था, उस हॉस्पिटल में हम रात के 11 बजे वेंटिलेटर कहाँ से ढूंढते। लाइक 11 बजे मैं शाम के 7 बजे करीब सो गई थी, रात को मैं जब 6 तारीख की रात को जब मैं 11 बजे रात में 11 बजे सो के उठी थी, 7 बजे मैं सो गई थी, तो रात में 11 बजे जब मैं सो के उठती हूँ तो उस टाइम में मम्मी भी कोविड पॉजिटिव थी। रात के 11 बजे जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि भाभी परेशान होकर इधर उधर घूम रही हैं और मम्मी रूम में बैठ के रो रही हैं। मैंने पूछा क्या हो गया, तो भाभी ने बताया मुझे कि भैया को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। उसके बाद फिर लड़की सब इधर उधर ढूंढ रहे थे सब की कहीं से वेंटिलेटर अरेंज हो जाए अरेंज हो जाए। पापा को भैया के ऑफिस से कॉल आई थी, तो उधर उन्होंने बोला कि आप मुरादाबाद लेके आ जाओ उन्हें और यहाँ पे वेंटिलेटर हम दीपक के लिए अरेंज करवा दें, आप सब लोग दीपक को यहाँ पे लेके आ जाओ, उसको कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। 6 की रात को 12 बजे करीब यहाँ से चले हैं एम्बुलेंस में, दीदी आ गई थी मुरादाबाद से काशीपुर हॉस्पिटल में ही थी। फिर यहाँ से हम भैया को, मैं नहीं गई थी कि मुझे मम्मी को और भाभी को संभालना था, कोबू भी थी उन तीनों को संभालना था मुझे, तो मैं कहीं नहीं गई थी, मैं घर पे ही थी। विशाल भैया, पापा, बेबी दीदी और जीजा जी, ये सब लोग यहाँ काशीपुर से मुरादाबाद लेके आए थे भैया को। रात में 1 बजे करीब भैया को वेंटिलेटर मिल गया था हॉस्पिटल में, तो वेंटिलेटर मिलने के बाद उनको वेंटिलेटर पे लगा दिया था। लाइक मैं उस दिन रात भर नहीं सोई थी, बिल्कुल नहीं सोई थी मैं एक मिनट के लिए भी। भाभी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, तो वो भी बेहोशी हो गई थी, तो फिर मैंने उनको कॉफ़ी वॉफ़ी पिला के सुलाया। उसके बाद फिर मम्मी भी सो गई थी, बहुत परेशान थी, उनको मैंने सुलाया, मैंने मम्मी भैया ठीक है उन्हें वेंटिलेटर मिल गया है। फिर मम्मी भी सो गई थी, बट फिर रात तक सब सही था। मैंने दीदी से फ़ोन करके भी पूछा था भैया को वेंटिलेटर मिल गया, तो दीदी ने बोला भैया को वेंटिलेटर मिल गया है अब और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक होके आएंगे घर पे। मैंने भी उनको ये बोला दीदी आप परेशान मत हो ना, भैया बिल्कुल ठीक होके घर पे आ जाएंगे। तो हम सब एक दूसरे को ऐसी होप दे रहे थे। फिर उसके बाद सुबह के 4 बजे करीब भैया हमें छोड़ के चले गए, बट घर पे किसी ने ये बात बताई नहीं थी। जब भैया को उधर से लेके चल दिए थे कि बॉडी के साथ, उन्हें ये प्रॉब्लम हुई थी कि उनका जो ब्लड था वो वैसे ही पहले से थोड़ा गाढ़ा था, बट बाद में और उनको वो नहीं लगा ब्लड थिनर, तो उनके जो ब्लड में क्लोथिंग हो गई थी, ब्लड में गांठे सी बन गई थी, तो उससे उनको ब्लड सही से हार्ट तक पहुंच नहीं पा रहा था और ऑक्सीजन भी नहीं सही से हो पा रही थी सिर्फ उसकी वजह से। तो उनके फिर लंग्स में भी सब पानी हो गया था, तो वो सब निकालने की बात कर दी थी उन्होंने कि हम ये सही कर देंगे सब। बट उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जब भैया का वो लास्ट टाइम था, उस टाइम पे पापा और भैया थे बस हॉस्पिटल में, दीदी भी घर पे आ गई थी। मैं एक्चुअली ये सब ना याद बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाती हूँ जब मैं ये सब बात करती हूँ। उसके बाद
बाद फिर जब भैया को उधर से लेके चल दिए थे तब सुबह के 6:04 पे दीदी ने मुझे कॉल करके बताया था कि भैया चले गए।